हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, मैं लखवीर आज आपके लेके आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग टाउनशिप जिसके अंदर आपको मिल जाएगा 3 BHK अपार्टमेंट, 1737 स्क्वेयर फीट का सुपर एरिया और कारपेट एरिया 1300 स्क्वेयर फीट। और क्या चाहिए, वो है इसकी लोकेशन एंड इसकी अमेनिटीज। 6.5 एकड़ की टाउनशिप रहती है जिसके अंदर 2-3 BHK अभी हम बना के दे रहे हैं, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है। और जो इसकी लोकेशन रहती है वो रहती है चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे, बैंगलोर नेशनल हाईवे। जी हाँ, अगर आप दिल्ली के हैं, हरियाणा के हैं, तो ये प्रॉपर्टी मैं अभी बोल रहा हूँ मिस मत करना। अगर आप सोच रहे हैं कि चंडीगढ़ के पास, जीरकपुर के पास अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और बजट थोड़ा डिसेंट है, तो ये प्रॉपर्टी मिस मत करना, क्योंकि इस प्रॉपर्टी का प्राइस शुरू होता है वो है 80 लाख ऑनवर्ड्स। जी हाँ, 80 लाख से 3 BHK शुरू होता है और वो भी नेगोशिएबल। तो यहाँ पे आपको मिल जाता है विद इन द सोसाइटी स्विमिंग पूल, बच्चों का अलग, बड़ों के लिए अलग। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 10,500 स्क्वेयर फीट का क्लब हाउस, और जिसके अंदर आपको मिल जाती है जिमनेजियम, स्पा, लाइब्रेरी, बैंक्वेट हॉल, हर चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएगी ये सारी अमेनिटीज इंक्लूडिंग बेसमेंट पार्किंग। तो ज्यादा टाइम लेते हुए चलिए आपको घर दिखाते हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक्चुअल अपार्टमेंट, और अगर आप विद फर्नीचर या अपार्टमेंट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको हमारे आई बटन में भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, जैसे मैं घर के अंदर एंटर करता हूँ, आपका वेलकम होता है आपके इस प्यारे ड्रॉइंग एरिया के साथ। पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपको मैं घर दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल अपार्टमेंट है, आपको ऐसा ही मिलेगा जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। चाहे मैं फैंस की बात करूँ, ऊपर आप देख सकते हैं, चाहे मैं लाइट्स की बात करूँ, चाहे मैं वुडवर्क की बात करूँ, चाहे मैं नीचे टाइल्स की बात करूँ, पेंट की बात करूँ, एज इट इज़ जैसा देख रहे हैं वैसा ही मिलेगा। सिर्फ किचन में अप्लायंसेज ऐड हो जाएंगी, वो हमने आपको किचन में बताई हुई है कि क्या अप्लायंसेज ऐड होंगी। तो ड्राइंग एरिया मिलता है आपको 17x12 का। जी हाँ, एक बहुत ही अमेजिंग साइज आपको मिल जाता है 17x12, एक 3 BHK के हिसाब से बहुत ही बड़ा आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है। 1737 स्क्वेयर फीट का अपार्टमेंट है और कारपेट एरिया आता है इसका 1300 स्क्वेयर फीट अप्रॉक्स। तो ड्राइंग के साथ ही बिल्कुल आपको यहाँ पे दी हुई आपकी बैल्कनी, ये आपका वॉशिंग एरिया रहेगा, और ये रहेगा आपका फोर्थ वॉशरूम, जो कि एक नेसेसिटी, अगर आपका गेस्ट है तो वो आपका ड्राइंग एरिया से डायरेक्ट बालकनी का एक्सेस लेके वॉशरूम यूज कर सकता है, तो प्राइवेसी घर की मेंटेन रहती है। दोस्तों, ड्राइंग के बाद आपको एल शेप का यहाँ पे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ड्राइंग और डाइनिंग मिल जाता है, तो ड्राइंग के बाद आपका रहता है डाइनिंग स्पेस। अगेन 11x12 का आपको एक डिसेंट डाइनिंग स्पेस मिल जाता है। तो 11x12 का आपको डाइनिंग स्पेस मिल जाता है, अगेन 3 BHK के हिसाब से इतना बड़ा डाइनिंग स्पेस बहुत होता है। आपने भी काफ़ी फ्रेंड, हम वीडियो शूट करते हैं, हम आपको दिखाते भी हैं, पर लिविंग एंड ड्राइंग एरिया बहुत अमेजिंग है। डाइनिंग के बाद भी आपको यहाँ पे प्रॉपर स्पेस मिल जाती है जिसमें आप अपना मंदिर, क्रॉकरी यूनिट, कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको बड़ा एरिया चाहिए, सुपर एरिया नहीं, कारपेट एरिया 1300 स्क्वेयर फीट, और लोकेशन चाहिए बैंगलोर हाईवे, तो ये प्रॉपर्टी मिस मत कीजिएगा। अगर चंडीगढ़ जाना है तो चंडीगढ़ मात्र, यहाँ पे चंडीगढ़ की जो एंट्रेंस होती है वो यहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, 10 मिनट वो भी मुश्किल से, और नेशनल हाईवे है, आपको किसी जाम में फंसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिल्ली के हैं, हरियाणा बेल्ट के हैं, और अगर आप यहाँ पे जीरकपुर मोहाली में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो एक बार ये प्रॉपर्टी ज़रूर देखिए, क्योंकि आप अगर दिल्ली हरियाणा से आ रहे हैं तो आपके रास्ते में पड़ेगी। एक बार देखिए, फिर बाकी प्रॉपर्टी से कंपेरिजन करिए, फिर डिसाइड कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपको पहली नज़र में ही पसंद आएगी। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा घर है उससे कहीं बेहतरीन और अमेजिंग आपको यहाँ पे किचन मिल जाती है। आइए दोस्तों, 12:30x8 की आपको किचन मिलने वाली है। किचन आपकी प्रॉपर आप देख सकते हैं, आपको रेक्टेंगल शेप में मिलने वाली है, और किचन आपकी एज इट इज रहेगी, सॉफ्ट क्लोजर, और इसमें आपको मिल जाती है अप्लायंसेस, जैसे कि आपको चिमनी मिल जाएगी, आपको हॉब मिल जाएगा, और आपको वेंटिलेशन सनलाइट के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर विंडो दी हुई है। तो एक बहुत ही डिसेंट सी, बहुत ही अमेजिंग किचन दी हुई है। आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कैबिनेट्स बने हुए हैं, नीचे कैबिनेट्स मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे भी कैबिनेट्स मिल जाते हैं आपके स्टोरेज के लिए। तो आपका सामान कम पड़ जाएगा, पर आपकी स्टोरेज यहाँ पे बिल्कुल कम नहीं पड़ने वाली। और ये आपका रहता है प्रॉपर ब्रेकफास्ट काउंटर, क्योंकि यहाँ से आपको इजी एक्सेस मिलता है आपके लॉबी या फिर आपके प्राइवेट लाउंज एरिया का भी। स्टार्टिंग में आपको मिल जाता है पैंट्री का स्पेस, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी क्रॉकरी आइटम रख सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको काफ़ी कैबिनेट्स दिए हुए हैं। तो एक बहुत ही डिसेंट सी, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही स्पेशियस आपको किचन मिल रही है। पैक्टल किचन है, स्पेस आप हर तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और फ्रिज की भी आपके डेडिकेट यहाँ पे स्पेस
दी गई है। तो दोस्तों किचन के साथ आपको यहाँ पे मिल जाता है आपका ब्रेकफास्ट काउंटर, यहाँ पे बैठ के आप अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट काउंटर के बिल्कुल साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे आपका प्राइवेट लाउंज एरिया। कभी 3 BHK में सुना है? नहीं सुना ना, पर हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे अपना ड्रॉइंग के अलावा आपका पर्सनल प्राइवेट लाउंज एरिया। दोस्तों मेरे बिल्कुल सामने रहता है आपका लाउंज एरिया, पर उससे मैं बताऊँ 2 बेडरूम मेरे बिल्कुल सामने है, 1 बेडरूम आपका मेरे राइट साइड पे। आइए तो ये रहता है आपका लाउंज एरिया। अगेन लाउंज एरिया आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस आपको मिल रहा है। यहाँ पे आप अपना फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं, अपना फैमिली स्पेस यहाँ पे आप डिज़ाइन करके यहाँ पे फैमिली टाइम एंजॉय कर सकते हैं। ये आपका प्रॉपर टीवी का यहाँ पे यूनिट लगाने के लिए आपको प्रॉपर प्रोविजन दिया हुआ है। दोस्तों ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, और आप देखिए कितनी अच्छी आपको यहाँ पे सनलाइट आ रही है। ये रहेगा आपका फर्स्ट बेडरूम, 11x12 आप कह सकते हैं, किड्स बेडरूम है। तो ये बेडरूम साइजेस है, क्लियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो कबर्ड्स आपकी प्रॉपर आपको इनबिल्ट मिलती हैं, और अगेन आपको रूम फाइट पे कबर्ड्स दी गई हैं। कबर्ड्स की क्वालिटी अगेन बहुत ही अमेजिंग आपको यहाँ पे मिल रही है। और मेरे साथ में रहती है आपकी अटैच बैल्कनी, बैल्कनी से आपको प्रॉपर सनलाइट आ रही है आप देख सकते हैं। और इसी के साथ आपको हर एक रूम में आपको प्रॉपर विंडो मिल जाती है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, चाहे आपका मास्टर बेडरूम है, चाहे आपका किड्स बेडरूम है, चाहे आपका थर्ड बेडरूम है। और इसी के साथ आपको मिल जाती है अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम एज इट इज मिलने वाला है, एज इट इज, जस्ट हैव अ लुक। अब हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम में, आइए। तो दोस्तों 11x15 का आपको मिल जाता है आपका ये क्लियर मास्टर बेडरूम। क्लियर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत ही बिग साइज रूम है, कबर्ड आपकी इनबिल्ट है, रूम के अंदर स्पेस कवर नहीं कर रही, तो क्लियर बेडरूम साइजेस है। और व्यू देखिए आप, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के बैक साइड रहता है फॉरेस्ट लैंड एरिया, अगेन आप देखिए व्यू, तो एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही स्पेशियस आपका ये रूम रहता है। अगेन जैसे मैंने कहा कि एक्चुअल रूम है, एक्चुअल घर है, वही दिखा रहा हूँ। फ्रंट में आपको मिल जाते हैं कबर्ड्स, और इसी के साथ आपका रहता है अटैच वॉशरूम, और वॉशरूम अगेन आपको बहुत ही अमेजिंग और लग्जरियस मिलने वाले हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 2 बेडरूम, अब हम चलते हैं अपने 3rd बेडरूम में, आइए। अगेन आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे 11x13 का क्लियर बेडरूम मिल जाता है, डिसेंट सी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है, और अगेन आपको यहाँ पे मिल जाती है कबर्ड्स, अगेन आपको 4 डोर कबर्ड्स मिल रही है रूफ हाइट तक, स्पेस की घर के अंदर भी कोई कमी नहीं है, और आपको वार्डरोब्स पे जो स्पेस चाहिए उसमें भी कमी नहीं है। और अगेन आपको यहाँ पे मिल जाता है वॉशरूम, और वॉशरूम अगेन बहुत ही स्पेशियस आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और इसी के साथ आपको मिल जाती है अटैच बैल्कनी, और ऑलमोस्ट 6 फीट वाइड आपकी बैल्कनी ये रहने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये घर, कैसी लगी आपको इसकी अमेनिटीज, कैसा लगा आपको ये अपार्टमेंट, आप अपने जो व्यूज हैं कमेंट के जरिए जरूर शेयर करना। कोई भी क्वेरी है आपकी इस प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, इस लोकेशन रिगार्डिंग, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वी विल लव टू असिस्ट यू, वी विल लव टू हेल्प यू। मैं लखवीर आपसे इजाजत लेता हूँ, फिर मिलूंगा नई प्रॉपर्टी के साथ, नई वीडियो के साथ, नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई लव सॉन्ग्स।